गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जो कि ह्यूमन जेनेटिक्स से है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेडिग्री एनालिसिस का। आपको बताना चाहता हूँ कि एक टर्म आती है यूजेनिक्स के नाम से, जिसको दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1883 में। उन्हीं को ही फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो कंसेप्ट है हमारा, दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जो कि आप 5 या 10 सेकंड या 20 सेकंड में आप एकदम से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा ट्रेट जो है वो बेसिकली ऑटोसोमल है या फिर आपका सेक्स लिंक्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ द मैन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब इसमें हम ऐसे पता लगाते हैं कि जो एंसेस्टर है उससे जो बेसिकली जो डिफेक्टिव जीन्स हैं वो कैसे आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पेडिग्री एनालिसिस को फैमिली ट्री भी कहा जाता है। इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, जिस सिंबल्स जो कि आपको ऑलरेडी पता होंगे थोड़े बहुत। तो स्टार्टिंग में जो आपको पता है कि नॉर्मल मेल के जो होता है वो ये बॉक्स जैसा बना होता है, नॉर्मल फीमेल के लिए एक आपका सर्कल जैसा होता है, और ये मेटिंग इंडिविजुअल हैं जो कि यहाँ पे थर्ड नंबर पे बताए गए हैं। और उसके आगे एक सिंपल सा एक जो चार्ट दे रखा है उसमें सिबलिंग्स हैं नीचे दे रखे, ये स्टार्टिंग में फीमेल है, उसके आगे मेल, उसके आगे फीमेल, नेक्स्ट फिर से फीमेल। ये जो ये डायमंड शेप जैसे बना हुआ है, इट इज़ अ सेक्स अनस्पेसिफाइड। इसमें कुछ सेक्स का पता नहीं है, मेल है या फीमेल है। सिक्स्थ में ट्विंस के बारे में बताया गया है, उसके आगे अफेक्टेड मेल एंड फीमेल है। अफेक्टेड इंडिविजुअल को डार्क कलर से बताया जाता है, और बाकी जो है वो आपके नॉर्मली आपके ज़्यादा यूज नहीं होते हैं। तो बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने जा रहे थे ट्रिक्स के बारे में जो कि आप एकदम से सॉल्व कर सकते हैं जिनसे देख के। तो सबसे पहले आपको पता कि चार टाइप से आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का। फर्स्ट इज योर ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेकंड इज ऑटोसोमल रिसेसिव, थर्ड इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एंड फोर्थ वन इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो आप पता कैसे लगाएंगे कोई डिजीज़ आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है? क्वेश्चंस ऐसे जो हैं वो आपके नीट और एम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और ये आपका अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है या मान लो कोई स्टेट बोर्ड है तो उसमें भी पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ दो दो ट्रिक्स हैं जो कि आप एकदम से पहचान जाओगे कि ये बेसिकली कौन सी डिजीज़ है। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट में। अब पहली बात है कि ऑटोसोम होते क्या हैं। आपको होता है कि आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें 22 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का कैसे पता लगता है कि फर्स्ट जो इसका ट्रिक है वो है कि इट डोंट स्किप द जनरेशंस। पहली बात तो यहीं से बात पता लग रही है कि डोमिनेंट है तो मतलब ये जनरेशंस को स्किप नहीं करेगा। दैट इज इन एटलीस्ट वन जनरेशन इंडिविजुअल विल बी अफेक्टेड। जैसे हम एग्जांपल्स करेंगे आगे तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में पक्का बताऊंगा। तो मतलब नेक्स्ट जो हमारा है कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, विच इज़ अ हाई क्ल्यू। अगर किसी भी पैटेगरी में आपको ऐसा पता लगता है कि कोई अफेक्टेड पेरेंट हैं और उसके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हैं, तो ये डेफिनेटली 100% क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने कि हटिंगसन्स डिजीज़ जो है, फिर नेक्स्ट जो है एकोंड्रोप्लेशिया, दैट इज ड्वार्फिज्म टाइप एक डिजीज़ होती है, वो कैसी आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। इसमें सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव में पहले तो ये बात है कि इट स्किप्स द जनरेशन। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमने कहा था कि ये इसमें जनरेशन स्किप नहीं करते हैं, कोई ना कोई इंडिविजुअल इफेक्टेड होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक जनरेशन में सपोज करो कि कोई इंडिविजुअल इफेक्टेड है, सेकेंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, विच इज़ अ हाई क्ल्यू अगेन। आगे बात करते हैं सेकेंड इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर आपको किसी भी पेडिग्री में ऐसा लगता है कि कोई पेरेंट्स अनअफेक्टेड बताया गया है और आगे चिल्ड्रन जो हैं वो अफेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। सच एज एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस का, सिकल सेल एनीमिया, ये आपके कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव है। और सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस पे क्वेश्चंस कई बार जो हैं वो नीट में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज द एक्स लिंक डोमिनेंट। इसमें सबसे पहला क्ल्यू गया है कि डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम द फादर टू सन। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि फादर अफेक्टेड है और वो
नेक्स्ट जो है वो बेसिकली सन को कभी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट है कि ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। अगर फादर किसी भी पेडिग्री में अफेक्टेड है तो उसकी सारी की सारी डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी। इसमें एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया जाता है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। और लास्ट वन जो है वो हमारा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो आपके होते हैं वो मेल इंडिविजुअल किसी भी पेडिग्री में आप काउंट करके देख सकते हैं। अगर मेल इंडिविजुअल ज़्यादा अफेक्टेड हैं दैट मीन्स इट इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेकेंड पॉइंट है डिजीज टेंड्स टू ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू सन एंड फादर फादर टू डॉटर। तो जो आपके बेसिकली डिजीज के ट्रेट्स हैं वो बेसिकली मदर से सन को आएंगे और फादर से डॉटर की तरफ। और लास्ट है डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम द फादर टू सन। तो फादर से सन की तरफ कभी भी डिजीज जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। स्टूडेंट्स मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर ये दो दो पॉइंट्स हैं चार डिजीजेस के बेसिकली, अगर आप इनको एकदम से दिमाग में बैठा लेते हो तो आप किसी भी पेडिग्री को चाहे वो कितनी भी लंबी पेडिग्री हो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो हमारी पेडिग्री है दैट इज दिस टाइप। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 12 जनरेशन मैंने बेसिकली 12 इंडिविजुअल मैंने बनाए हुए हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड इसमें फादर और मदर दोनों अफेक्टेड हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि एक जो है वो मेल वो अनअफेक्टेड है और दूसरी वाली जनरेशन में एक फीमेल जो है अनअफेक्टेड है। बट बेसिकली ये दोनों जो हैं वो बाद में क्या है सेपरेट फैमिली से आ रहे हैं। एक जो है वो एक अलग फैमिली है बेसिकली ये वाली, और सेकंड जो है ये वाली जो है अलग फैमिली है। तो यहाँ से अगर आप पता लगा सकते हो कि जैसे मैंने रिजल्ट में लिख रहा है कि बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, दोनों पेरेंट्स कैसे अफेक्टेड हैं एंड वन सन इज अनअफेक्टेड, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अगर आप सेकेंड पेडिग्री देखोगे आप इसके साथ ऐसा कर सकते हो कि जो मैंने ये रूल्स आपको बताए वो उसको आप सामने रख सकते हो और उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा था वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के बारे में। तो ये वाली पेडिग्री अगर आप सही तरह से देखोगे तो इसमें अगर आप पीछे वाले करेक्टर्स देखोगे तो इसमें हमने पहली बात कही थी कि इट स्किप्स द जनरेशंस। तो मतलब इसमें जनरेशन जो होंगी वो आपकी स्किप होंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फादर है वो अफेक्टेड था बट यहाँ पे ना ये इंडिविजुअल ना ये ना ये कैसे हैं, ये बेसिकली अनअफेक्टेड रह गए हैं। तो यहाँ से पता लग रहा है कि इट इज़ अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। बच्चे अगर आप इसके साथ 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 में बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई करोगे इन रूल्स के हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी। तो जो नेक्स्ट आपका बेसिकली एग्जाम्पल है दैट इज थर्ड एग्जाम्पल विच इज ऑफ द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो यहाँ से ये तो बिल्कुल इजी थी कि सबसे पहले जो यहाँ पे फादर है वो अफेक्टेड है और यहाँ पे सारी की सारी डॉटर्स जो हैं वो बेसिकली अफेक्टेड हैं। तो हमने स्टार्टिंग में यही बात कही थी। थर्ड पॉइंट आपने देखना है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम द फादर टू सन, सही बात है। और सेकेंड है कि ऑल डॉटर ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ठीक है, कि मतलब फादर अगर आपका अफेक्टेड है तो आपकी सारी की सारी डॉटर्स जो हैं वो कैसी आएंगी, अफेक्टेड आएंगी। तो ये बहुत हाई क्ल्यू था और यहाँ से आपको पता लगता है कि इट इज़ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री। और लास्ट बच्चे लास्ट जो है वो आपका बेसिकली पेडिग्री जो है वो बेसिकली है अपनी एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो फीमेल है वो आपकी अफेक्टेड है। और यहाँ पे अगर आप ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, या अगर नहीं है तो बेसिकली आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो कि मैक्सिमम जो मेल हैं 1, 2, 3, 4 और 5 मैक्सिमम मेल यहाँ पे क्या है अफेक्टेड है। तो इट इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसके साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए हैं या 2013 से 2018 तक उनको सामने रख के इन सभी रूल्स को सामने रख के उन सभी का आंसर जो है वो आप पा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।